उपस्थित रहा जुटल रहा और जे जे हमर से उम्र में बड़ा लगा सोभिन के एके संगे जोड़हाथ करे है माने गौर लगा है जे जे बड़ा लगा और हमर से जे जे छोटे लगा मन से चंगर गिला एखनी के आशीष दे है नी। तो आज चूंकि जन परब के उपलक्ष्य में यहाँ आयले रही है एक तो हमने मंडा कहा हमने दिखे भोक्ता के चढ़ा के विशु परब के नाम से जाना हाथे और जैसन की झारखंड राज्य रहे यहाँ के पर्व त्योहार रहे भाषा संस्कृति रहे गीत संगीत रहे नृत्य रहे और कोनो ना कोनो एगो संदेश रहे। आज हमने पूर्वज झारखंड राज्य लड़के लड़के और बहुत सारा उद्देश्य पाला उद्देश्य कि हमने सभ्यता संस्कृति वातावरण रहन सहन सब अलग है और बाद हमने अलग राज्य यह खातिर भी ले लिए कि कहीं ना कहीं जब हमने बिहार सरकार में रहा लिए इतना मान सम्मान हमने नहीं रहा तो क्रम में आज हमने एक नया झारखंड राज्य बेशक नक्शा से काटी के हमरा नहीं पाई लाए है भौगोलिक दृष्टिकोण से एगो नया राज्य पाई लाए है जकर 79,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास क्षेत्रफल है 24 गो जिला मोटा मोटी 45 गो अनुमंडल 264 गो प्रखंड और लगभग 4400 के आसपास पंचायत और 32,000 गांव अगर नक्शा में काटी के जमीन के टुकड़ा के माध्यम से पाए लाए लेकिन अगर अधिकार के बात कहल जाए तो आज भी बड़ा शून्य है। ओकरे क्रम में आज हमने झारखंड के अस्मिता के लड़ाई जो पिछला 1.5 साल से चल रहा है भाषा के लय के साहित्य के लय के तो कभी खतियान के लय के तो कभी अधिकार के लय के और कुल मिलाई के कहले है अंग्रेज जब भारत देश आयल हले तो अपने एक लाइन कहले हले कि अगर कोई इंसान से तोरा बैर हो शत्रुता हो तो ओकरा लाठी डंडा से मारे के कोई जरूरत ना हो ओकरा तलवार से बंदूक से तीर से मारे के कोई जरूरत ना हो ओकर भाषा संस्कृति साहित्य परंपरा खत्म कर दो इंसान खत्म हो जितो। तो ओकरे क्रम में बीते कई सालों से कह सकल है कि हमने भाषा संस्कृति साहित्य में बहुत जोरदार हमला भले जकर कारण आज हमने काफी पिछड़ गए। आज जिला के कार्यालय ले प्रखंड कार्यालय ले या फिर राजधानी ले हर जगह यदि अन्य राज्य के व्यक्ति यहाँ पदस्थापित भलाय तो अगर मैं कहीं ना कहीं अंग्रेज के नीति से हलाय कि भाषा संस्कृति साहित्य के खत्म कर दे इंसान स्वयं खत्म हो जाए बाकी अगर मारे की कोई आवश्यकता न को। जैसे कि अगर हमने के खुद के कोई बोली ना रहते तो जाहिर सी बात है हमने जगह संपर्क में भी अगर बोलिया सीख ली भाई वह हाल हमने के साथ बना। तो आज जो झारखंड एक नया झारखंड की तरफ अंगड़ाई ले रहा है एक नव झारखंड की स्थापना की ओर बढ़ रहा है तो एक में सबसे महत्वपूर्ण रहता है भाषा संस्कृति साहित्य परंपरा रीति रिवाज एक दरकिनार करके हमने आगू नहीं बढ़ सकल। आदमी कहले ना कि पंछी कितनो दूर आसमान में उड़ले ओकरा सकून और ओकर परछाई तो जमीने में मिले तो से हाल हमने कितनो तरक्कीशील बन जो कितनो विकासशील बन जो लेकिन जब तक अगर हमने अपन पुरखेनी रीति रिवाज भाषा साहित्य संस्कृति ना हो तो कहीं ना कहीं आजादी ना। हम बार बार अपन बात में हमेशा बोलते रहिए कि कौवा के कभी देखल रहिया वो काव 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 करे लेकिन कभी ओकरा कोई गर्दन में पांव में ओकर कोई पाघा या डोरा रस्सी नहीं बांधे वो आजाद रहे भले वो करिया देखा है भले ओकरा लोग पसंद ना कर कि तो करिया देखा है काव काव कर बुला है लेकिन जे काव 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 ओकर मैया के भाषा लगाए से खातिर वो आजाद रहे ओकरा कोई पकड़ के कहीं ना भरे। ये देखिया पे सुगा के जकरा हमनी तोता बोलत रहा देखे में कितना सुंदर चोंच सुंदर लाले लाल चोंच ओकर हरा हरा बदन ओकर लेकिन वो भाषा के नकल करे से खातिर लोग ओकरा केनो काट दे गोड़वो में बांधे घेचुओ में बांधे और लास्ट पिंजरों में तो है हाल आज झारखंडी के साथ बना। हमने सुगा यानी तोता बनने के प्रयास कर ला अच्छा चोंच अच्छा हरा शरीर देखा जैसने हा करिया हा चाहे राड़ हा चाहे चुहाड़ हा क्योंकि हमने के इतिहास में राड़ चुहाड़ बहुत प्रसिद्ध शब्द रहले हैं जैसने हाई माटी संस्कृति भाषा हमने के लगाए और जब तक हिफाजत नहीं करवा तब तक हमने यह दुर्दशा हो। अभी देखा 740 के नीति के तब जगह राजधानी के बाद अगर सबसे ज्यादा असर रहे तो रामगढ़ में
क्योंकि भाषा और साहित्य और संस्कृति की हम बात कर रहे हैं तो हल्का सा एक उदाहरण दे दे कि 60-40 में भी कैसे अगर भाषा संस्कृति धत ले तो फायदा कहां है। जैसे कि एक ही कर ले 60-40 तो करवे कर ले साथ ही की कर ले जो स्थानीय भाषा है जो स्थानीय परंपरा संस्कृति है ओकर सब्जेक्ट भी हटाए दे। यानी कि यदि कोई परीक्षा में बैठबो करता है तो ओकर से अंग्रेजी में सवाल है हिंदी में है अन्य ऐसा भाषा में है जकरा झारखंड से कोई वास्ता ना रहे। आप मान के चल यदि भाषा संस्कृति के बैरियर रहतलाए तो सवाल आतले की पता हो कि हमर गोड़वा में गुरा भय गला है तो नहीं बुझा कि हमर गोड़वा में गुरा भय गला है। अब बताइए महाराष्ट्र का गुजरात का आंध्र प्रदेश का आदमी इस लाइन को समझेगा कि हमर गोड़वा में गुरा भय गला है समझेगा न फलनी ठकिया में अगर अंगरिया कुटाई गला केरिया में छिपाई गला। ऐसा नहीं कि भाषा संस्कृति हमने बच्चों की बात करे तो एकर से स्टूडेंट के फायदा ना ये हाल फिलहाल जेपीएससी के परीक्षा पार है लेकर में लिख ले रहे सवाल हले कि पहला किसे कहते हैं कि तमिलनाडु का जाना है पहला ककरा कहे हमने जाना है काकी तो जाना है ना पहला जेपीएससी की तैयारी ना कर ले देखा काकी जेपीएससी की तैयारी ना कर ले हो फिर भी एक नंबर सही कर दलो टिक मार दलो तो एकर से सबके फायदा है। भाषा संस्कृति से जे अपन पौराणिक व्यवस्था लगे सेटो मस्त है और यदि ओकरा एजुकेशन के साथ जोड़ दियल जितै कंपटीशन एग्जाम के साथ तो ओकर से एकदम 100% झारखंडी स्टूडेंट के फायदा मिलता तो सह लड़ाई लगे भाषा की। अब थोड़ा सा बात करल जाए चूंकि एचईसी रहे राजधानी में या रामगढ़ में कोयल परियोजना रहे मैंने कोयला के परियोजना रही या धनबाद बोकारो में तमाम कोल ब्लॉक्स रहे चूंकि बाहर के आदमी बहुत सारा हमने बीच अले क्वार्टर बने ले रह ले तो अपनी संपर्क में हमने अलिए जब हमने अपनी संपर्क में अलिए तो हमने अपनी के भाषा सीखी सबसे पहला हार ई खातिर सबसे पहला हार भेलै कि जो लोग कंपनी के माध्यम से फैक्ट्री के माध्यम से कोयला खादान के माध्यम से नौकरी करे आए लल वो दो गो परिवार तीन गो परिवार यानी उतने सदस्य लेके आए लेकिन वो एक क्वार्टर में रह के अपन भाषा संस्कृति के जिंदा रख ले एक क्वार्टर में रह के अपन बोली वचन सब जिंदा रख ले और हमने गांव में हजारों हजार की संख्या लेकिन हमने संपर्क में आते गला और अपन भाषा संस्कृति खत्म कर दला। सबसे पहला हार हमने हुए आज भी बहुत सारा यूपी बिहार के व्यक्ति ध्वनि अगल बगल में हतो जाए के देखे अपनी अपन भाषा में बात करते अपन पर्व त्योहार पूजा पाठ करते यानी जितना भी अपनी के अपन पूर्वज कहल जाए और जब भी नित नियम है सगला अभी तक स्थापित रखते हैं जबकि कहा वो अपन राज छोड़ के आए लेकिन राज हमनी के हजारों हजार गाँव हमनी के लेकिन कुछ पल में हमने अपन बोली बदल रहा है वह बोली।